ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें बायो को शॉप पे बैठे दिखाया जाता है, फिर हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब बायो और जालोंग जी दोनों छोटे थे, जहाँ हमें दिखाया जाता है जालोंग जी अपने दादाजी के साथ बायो की मॉम की शॉप में आया था, जहाँ दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जहाँ उसके दादाजी उसकी मॉम को कहते हैं, हम चाओ परिवार है, ये मेरा पोता जालोंग जी है, नमस्ते बोलो। जहाँ वह ग्रीट करता है उसकी मॉम कहती है, कितना संस्कारी लड़का है, तभी वह कहती है, ये मेरी बेटी बायो है। फिर वह अपनी बेटी को कहती है, ये चाओ दादाजी और जाओ लॉन्ग जी हैं। फिर बायो उन्हें ग्रीट करती है, तभी उसके दादाजी उसकी मॉम को एक पॉलिथीन देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। उसकी मॉम कहती है, आप बहुत दिलदार हैं, मैं इसे बाद में खोलूंगी। अरे चाओ दादाजी, ये कैसा रहेगा। देन वो बायो को कहती है, बायो जालोंग जी को ऊपर ले जाओ, इसके खाने के लिए कुछ फल धोकर काट लो। देन दोनों चले जाते हैं। फिर उसकी मॉम उसके दादाजी को कहती है, चाओ दादाजी एक कप चाय पी के जाइए। उसके दादाजी कहते हैं, ठीक है, उम्मीद है कि मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है, अंदर आइए आइए, माफ़ कीजिए मैंने भी सफाई नहीं की है, सामान बिखरा पड़ा है। उसके दादाजी कहते हैं, तुम लोग भी अभी नए हो, थोड़ा समय हमेशा लगता है, अगर किसी चीज़ की मदद चाहिए होगी तो बिना हिचकिचाए बताना, ठीक है। फिर बायो जालोंग जी के लिए सेब काट कर लाती है, जहाँ जालोंग जी से कहता है, तुम कितनी गजब हो, तुम्हें सेब छीलना आता है। वह हमें बायो की मॉम और जालोंग जी के दादाजी को साथ में बैठे ड्रिंक को इंजॉय करते दिखाया जाता है, जहाँ बायो की मॉम ड्रिंक पे ड्रिंक कर रही होती है, जिसे जालोंग जी के दादाजी थोड़ा हैरान हो रहे होते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, चो जी मैंने देखा तुम्हारी दुकान का नेम बहुत दिलचस्प है, ये अजीब लगता है। उसकी मॉम कहती है, ये उसी महिला की तरह लगता है जो गलती से एक बुरे पति से शादी कर लेती है, जो कि चाइनीज में मुहावरा है। उसके दादाजी कहते हैं, तुम्हें मजाक करना काफी पसंद है। उसकी मॉम कहती है, नहीं वह सच में मजाक है। तभी उसकी मॉम कहती है, ये नेम मुझे कभी किसी मर्द पर यकीन ना करने की याद दिलाता है, बायो के पापा के पास बाहर वाली थी तो उसके लिए हम किसी काम के नहीं थे। तभी उसके दादाजी शॉक्ड होते हैं। उसकी मॉम कहती है, और बस ऐसे ही, मैं बायो को सच नहीं बता सकती, मुझे उसे दुखी करने से डर लगता है। ये सब वह जोर जोर से बोल रही होती है, जिससे उसके दादाजी धीरे से उसे कहने के लिए कह रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती है, तो मैंने ये कहा कि उसके पापा के लायक मैं नहीं थी, इसलिए उसने हमें छोड़ा, इसलिए वो चला गया, मैं कैसे लायक नहीं हूँ बताइए। फिर वह रोने लगती है। ये बात सब अंदर बायो और जालोंग जी सुन रहे होते हैं। तभी बायो जालोंग जी को कहती है, तुम्हारा नेम क्या है, जिससे वह कहता है, जालोंग जी। बायो कहती है, जालोंग जी कान खोल कर सुनो, अगर तुमने ये जो अभी सुना उसे कभी किसी को बताया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वह चाकू को सेब पे घुसा कर उसे देकर कहती है, खाओ इसे। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ बायो अपनी शॉप पे बैठी होती है और इन सब बातों को सोचकर कह रही होती है, जालोंग जी अब बड़ बोला नहीं है, है ना। तभी वहाँ उसकी मॉम आती है, जो उसे कहती है, बायो जाकर अंदर खाना खा लो। फिर बायो चली जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग हमारी वहीं से होती है, जब ली कहता है, इस तस्वीर में ये इंसान कौन है। जालोंग जी कहता है, मेरे दादाजी। जहाँ ली कहता है, दादाजी। फिर वह सोच में पड़ जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर टॉर्च लेकर ली यानी मर्मेंट को खोज रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, मुझे वहाँ एक काली छाया दिख रही है, जल्दी वहाँ जाकर देखो। फिर तभी एक ऑफिसर कहता है, मैंने कुछ आवाजें सुनी, जल्दी इस तरफ। जहाँ सारे पुलिस ऑफिसर उसे ढूंढने भागते हैं, वहीं हमें जालोंग जी के दादाजी को दिखाया जाता है, जो चुपके से भाग कर ली को एक ट्रॉली में डालते हैं, जहाँ वे बेहोश रहता है। दूसरी तरफ सारे पुलिस ऑफिसर ली को ढूंढने में लगे होते हैं। अब वहीं जालोंग जी के दादाजी ली को चुपके से समुन्द्र की ओर लेकर जाने लगते हैं, जहाँ वे हर कदम बड़ी सावधानी से ली को लेकर जा रहे होते हैं। देन वो ली को खींच कर समुन्द्र की ओर लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं, उठो उठो, उठ जाओ, होश में आओ, उठो। तभी ली अपनी आँखें खोलता है, जहाँ उसके दादाजी उसे कहते हैं, होश आ गया, घर जाओ घर जाओ घर जाओ, चलो घर जाओ। फिर वह उसे खींचकर पानी की ओर लेकर जाने लगते हैं, जहाँ ली पानी में चला जाता है। ली खुश होकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसके दादाजी उसे कहते हैं, घर जाओ जाओ, फिर कभी वापस मत आना। अब हमें पता चलता है कि जालोंग जी के दादाजी ने ली की जान बचाई थी, और यही सब ली जालोंग जी को भी बता रहा होता है, जहाँ दोनों चुप से बैठे होते हैं। तभी जालोंग जी कहते हैं, तुमने अभी जो कुछ कहा क्या वो सच है। जहाँ ली हाँ में सिर हिलाता है। जालोंग जी कहते हैं, तो तुम्हें बचाने वाला मैं नहीं बल्कि मेरे दादाजी थे। ली कहते हैं, तो उन्होंने तुम्हें लेकर एक ख्वाहिश की होगी, इसलिए मुझे समुद्र में तुम्हारा चेहरा दिखा। तभी जालोंग जी चुप सा हो जाता है और उठकर अपने दादाजी के आगे प्रे करने लगता है। देन ली भी वहां आकर अपना सिर झुकाने लगता है, जिसे देखकर जालोंग जी कहता है, तुम क्या कर रहे हो। ली कहता है, जब मैं किनारे बहकर आया, भले ही मेरे निचले हिस्सों में लहरों से चोट लगी थी, मैं महसूस कर सकता था कि तुम्हारे दादाजी ने कितने दिल से ख्वाहिश मांगी थी। जहाँ दोनों शांत हो जाते हैं, वहीं जालोंग जी रोने लगता है और खुद से कह रहा होता है, दादाजी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत बहुत ज्यादा याद आ रही है। देन ली कहता है, तुम्हारी आंखें। फिर वह उसके आंसू को छूकर देख रहा होता है। जालोंग जी कहता है, क्या कर रहे हो। ली कहता है, इनमें से यानी आंखों से पानी क्यों निकल रहा है। फिर वह उसे टेस्ट करता है और कहता है, नमकीन है। फिर वह कहता है, क्या तुम्हारी आंखों में समुंदर है, जिससे वह उसकी आंखें चेक करने लगता है। वहीं जालोंग जी कह रहा होता है, नहीं नहीं नहीं। ली कहता है, मुझे देखने दो। जालोंग जी कहता है, ली तुम सच में दिमाग खराब कर रहे हो। ली कहता है,
तुम में पानी क्यों आ रहा है? मुझे देखने दो। जॉयलोंग जी कहता है नहीं। ली कहता है देखने दो देखने दो। जॉयलोंग जी कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम देखो। ली कहता है तुम में पानी क्यों निकल रहा है? जॉयलोंग जी कहता है तुम्हें नहीं समझ आएगा। ली कहता है मुझे भी चाहिए। जॉयलोंग जी कहता है तुम्हारे नहीं आएंगे क्योंकि तुम में फीलिंग्स नहीं है। ली कहता है फीलिंग्स क्या होती है, तुम मुझे सिखा सकते हो? उसके बाद जॉयलोंग जी अपने दादाजी के रूम में उनकी विश एज अ लेटर को ढूंढ रहा होता है, तभी ली कहता है थोड़ा ध्यान से और गहरे से सोच सकते हो। जॉयलोंग जी कहता है लेकिन शायद मेरे दादाजी की कोई ख्वाहिश नहीं थी, वो अपने जन्मदिन पर भी कुछ नहीं मांगते थे। फिर ली रूम में आता है, देन वो टेबल पर पड़ी पिक को देखकर कहता है ये अजीब इंसान कौन है? देन जॉयलोंग जी उसे देखता है, तभी उसे याद आता है और कहता है सही कहा वसीयत। ली कहता है वसीयत? जॉयलोंग जी कहता है शायद मेरे दादाजी की वसीयत में उनकी ख्वाहिश होगी लेकिन मैं भूल गया। ली कहता है तुम्हें अपने दादाजी की वसीयत नहीं पता, तुम सच में महान हो। जॉयलोंग जी कहता है ठीक है सोचने दो। तभी वह सोचने लगता है और कहता है लोंग लोंग, जिसे लिए उसे ही देखता है। जॉयलोंग जी कहता है ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे इस नेम से मेरे दादाजी बुलाते थे लोंग लोंग। देन हमें दिखाया जाता है जो फ्लैशबैक में उसके दादाजी लेटर लिख रहे होते हैं, जहां वह लिख रहे होते हैं लोंग लोंग, जब ऐसा दिन आए जब दादाजी ना रहे तो तुम्हें जरूर दुख होगा लेकिन ज्यादा वक्त तक दुखी मत रहना। हमने तय किया था ना कि साथ में कई जगह घूमने जाएंगे, दादाजी बस तुमसे थोड़ा पहले चले गए। हमने देखने थे कि सारे होटल और रेस्टोरेंट अच्छे हैं या नहीं। हम आगे चलकर एक दूसरे को पक्का मिलेंगे, तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। अपनी आगे की जिंदगी में तुम्हें मेहनत करके जीना होगा, भले ही तुम इकलौते या अकेले हो। तुम आगे की खुशहाल जिंदगी के बीच बो रहे हो, भले ही लोग कुछ भी कहें या तुम्हें भला बुरा कहें, तुम्हें अपने तरीके से जीना होगा। अपना सब कुछ एक खुशहाल जिंदगी जीने में लगा दो, तुम्हारे दादाजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ ली एक पोस्टर को रीड कर रहा होता है और कहता है तीन कदम खुशियां तक खुशियां। जहाँ जॉयलोंग जी कहता है हम्म। ली कहता है तुम खुश नहीं हो? तभी हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जॉयलोंग जी अपने मन में कह रहा होता है मुझे पेशाब करना है, बेवकूफो थोड़ी जल्दी करोगे? गाइज यहाँ पर दो क्लासमेट्स उसके फेस से पजल सॉल्व कर रहे होते हैं, एक तरह से उसे बुली किया जा रहा होता है। वही दरवाजे के पास खड़ा ली ये सब देख रहा होता है और उसके मन की बातों को भी सुन रहा होता है। तभी एक लड़का कहता है देखो हमें दोबारा करना चाहिए एक और बार। तभी जॉयलोंग जी कहता है एक और बार? वो लड़का कहता है हाँ तो क्या हुआ? जॉयलोंग जी कह रहा होता है मैं अपनी पैंट में ही ना कर दूं। तभी वहाँ ली आता है जो पजल को गिराकर कहता है कितना हल्ला करते हो, बाथरूम जाना है तो जाओ। इतना कहकर वह चला जाता है। वही जल्दी से जॉयलोंग जी बैग उठाकर भागता है। वही सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ वह ली के लिए टेबल पर सूप लगा रहा होता है। तभी ली कहता है मैंने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना नकारा कैसे हो सकता है, तुम जानते हो भी उन्हें दादागिरी करने देते हो, यानी उसके क्लासमेट्स। जॉयलोंग जी कहते हैं मैं जब कुछ बोलता हूँ तो कोई नहीं सुनता है, क्या कर सकता हूँ? ली कहता है तो तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं? फिर जॉयलोंग जी उसकी ओर देखकर उसके करीब आकर कहता है क्या तुम मेरे दादाजी को फिर से जिंदा कर सकते हो? अगर तुम कर सकते हो तो मैं साथ में आसमान में होऊंगा। ली कहता है नहीं। जॉयलोंग जी कहता है क्यों, तुमने मुझे पहले बचाया तो था? ली कहता है तुम बस मरने वाले थे लेकिन मरे नहीं थे, मैं इस ताकत को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। जॉयलोंग जी कहता है एक बार और कोशिश करके देखो। ली कहता है दोबारा करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। जॉयलोंग जी कहता है तुम मरमिन यानी जल पुरुषों की इच्छाएं काफी कमजोर है। ली कहता है ठीक है इसके अलावा कुछ और चीजें चाहिए जैसे कि परीक्षा के पेपर पैसे ताकत। तभी जॉयलोंग जी सिर हिलाकर कहता है मुझे सोचने दो। देन वो सोचने लगता है कर ऐसा करते उसे ज्यादा समय हो जाता है। तभी ली पीछे से उसका गला पकड़ता है और जिससे वह अपने आप को छुड़वाता है। जाली कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम जानबूझकर टाल रहे हो? जॉयलोंग जी कहता है अच्छा माफ कर दो। देन वो उसे छोड़ देता है। फिर वह उसे कहता है तुम्हारा दिमाग इसमें भूसा भरा है क्या, तुम सोचने का नाटक कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं सोच रहे थे। जिसे जॉयलोंग जी को गुस्सा आ रहा होता है। ली कहता है मैं बता रहा हूँ मेरे पास तुम्हारे साथ मस्खरी करने का समय नहीं है, 49 दिन हमें एक दूसरे को 49 दिनों तक झेलना है। जब से मैं यहाँ आया तब से मेरे पास सिर्फ 49 दिन है। इच्छा तुम्हारे दादाजी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अगर मैं असफल रहा तो मैं बबल में बदल जाऊंगा। जिसे जॉयलोंग जी उसकी ओर देखकर हंसकर कहता है क्या ये भी जल पुरुषों की कहावत का हिस्सा है? तभी ली भी हंसकर उसका गला पकड़ता है। जिसे जॉयलोंग जी कहता है माफ कर दो। ली कहता है प्यार? जॉयलोंग जी कहता है प्यार क्या? ली कहता है क्या तुम्हें प्यार करना है? तभी जॉयलोंग जी मुस्कुराता है। देन वो एकदम से उसके कान बंद करता है। वही ली कहता है चो बी यू। जॉयलोंग जी कहता है कितने गिरे हुए हो, यानी उसकी फीलिंग्स को भी पढ़ रहा है। ली कहता है कमजोरों को सच में ताकतवर लोग पसंद है। गाइस यहाँ ली कह रहा है कि वह बायु को पसंद करता है। तभी जॉयलोंग जी कहता है मैं उसे पसंद नहीं करता, सच में नहीं करता, कसम खा रहा हूँ मैं सच में उसे पसंद नहीं करता। और हाँ मुझे पता चल गया कि मैं खुश कैसे रहूंगा, मुझे तैरना सिखाओ, एक बार तैरना आ गया तो मैं खुश रहूंगा। ली कहता है तुम्हें पता है कि मुझे पता है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो। जॉयलोंग जी कहता है मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें पता है कि मेरा अभी दिमाग खराब है, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम गए, खाना बंद करो। देन वो उसके हाथ से चिप्स ले लेता है
और वहां से चला जाता है। वहीं उसके बाद हमें शीजों को दिखाया जाता है जो वीडियो गेम खेल रहा होता है। देन वो एक बॉक्स लेता है और वीडियो गेम को पैक करता है बायो की शॉप पे ले जाने के लिए। दूसरी तरफ हमें जॉलोंग जी और ले को दिखाया जाता है जो बायो की शॉप के बाहर आए होते हैं, जहाँ जॉलोंग जी ले को कहता है हिलना मत, यहीं रहो। देन वो अंदर जाता है। यहाँ जॉलोंग जी बायो से माफी मांगने आया होता है। अंदर जाकर वह चीजें लेने लगता है, साथ ही बायो से नजरें भी मिलाने की कोशिश करता है, जहाँ बायो उसे ही देख रही होती है, पर जॉलोंग जी डर भी रहा होता है। वही बार्ली जॉलोंग जी का वेट कर रहा होता है, तभी पीछे से शिजुंग आता है वही बॉक्स लेकर। फिर वह उसे पूरी तरह से घूमकर देखता है और कहता है हेलो भाई, दोनों सामान खरीदने आए हो? ली कहता है हाँ। देन शिजुंग वह बॉक्स को नीचे रखता है और कहता है तो मैं चलता हूँ। वही दूसरी तरफ जॉलोंग जी को बायो नोटिस कर रही होती है। अब वही ली वही बॉक्स खोलकर वीडियो गेम के रिमोट के वायर को मुंह में डालने लगता है। उसके बाद जॉलोंग जी बिल पे करने के लिए सामान बायो को देता है और वह खुद से कह रहा होता है इसको लग रहा होगा कि उस बेवकूफ ली को मैंने इसके पापा के रखेल के बारे में बताया है, इसको कैसे समझाऊं। तभी बायो सामान का टोटल करके कहती है 1500 रुपए। जॉलोंग जी खुद से कह रहा होता है अरे नहीं, ये मुझे कभी माफ नहीं करेगी। देन वो उसे पैसे देता है। तभी जॉलोंग जी उसे कहता है बायो वो मैं नहीं था, मैंने अपने भाई को कुछ नहीं बताया। देन ये सुनते ही बायो अंदर चली जाती है नाराज होकर, जिससे जॉलोंग जी उदास हो जाता है। और ये एपिसोड हमारा यहीं खत्म हो जाता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और इसी तरह के ड्रामास को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।